बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली और मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगी हैर हरियत से होंगी। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये फ्रेंच टोस्ट की है। टोस्ट सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलें मेरी प्यारी बहनें, बढ़ते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने इसके लिए सिंपली 3 अंडे लिए हैं, 1 कप शुगर लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है, 1/2 कप दूध लिया है, और एक मेरे पास प्लेन ब्रेड है मेरे पास। साथ मैंने मक्खन लिया है उसको लगाने के लिए। तो देखें मैं कैसे बनाती हूँ मेरी प्यारी बहनें। मैंने बीटर की मदद से अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है। 3 अंडे हैं मेरे पास। अब इसमें मैंने सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून शुगर के ऐड करने हैं। अब मैंने शुगर को अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही इसमें मैंने दूध डालते जाना है। जब तक चीनी हल हो नहीं है तब तक हमने इसको बीट करना है। और साथ मैंने इसमें वनीला एसेंस के 2-3 कतरे ऐड करने हैं। मिक्स करना है। ये मेरा एक बैटर तैयार हो गया। अब मैंने इसमें डिप करने हैं और इनको। मेरी प्यारी बहन है, मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। मैंने सिंपली बटर है मेरे पास, होममेड बटर है, इसको मैंने अप्लाई करना है तवे के ऊपर। फ्रेंच टोस्ट में इतना घी या ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करते हैं इतना नहीं लगता। सिंपली मैंने ब्रेड लेनी है, ब्रेड को मैंने उठाना है, इसमें डिप करना है मेरी प्यारी बहन ने। ये देखिए अच्छे से सोख हो जाए, इसको ऐसे झाड़ना है मैंने और मैंने ऊपर रखते जाना। बहुत ही मज़े के लगते हैं बच्चों को। आप भी अपने बच्चों को डिफरेंट नाश्ते दिया करें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये सिंपली मैं सोख करती जा रही हूँ और मैं तवे पे रखती जा रही हूँ। कुछ भी नहीं ऐसा जो इसमें ऐड करना है आपने मेरी प्यारी बहन। एक टाइम पे मैं चार डाल दी। ये देखिए अब मैंने ऊपर भी बटर लगाते जाना है। ये देखिए हैंड की मदद से लगाएं मेरा। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने ऊपर भी बटर लगाया है और नीचे भी बटर लगाया है। अब मैंने इसको सिंपली उठाते जाना है और टर्न करते जाना है और लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और इनको क्रिस्पी बनाना है। कुछ लोग ढीले ढीले फ्रेंच टोस्ट खाते हैं, ढीले ढीले थोड़े से क्रिस्पी होते हैं ये। ऐसे मैंने सबको टर्न कर लिया। देखिए मेरी प्यारी बहन, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैंने सिंपली बीच में से कट लगाना है और इसको एडजस्ट करते जाना प्लेट में। आप भी अपने बच्चों को ऐसे दिया करें, बच्चे खुश हो जाते हैं माशाल्लाह से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन।